स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट के सेगमेंट में, जिसका नाम है भाई मालामाल फैंटेसी 11। बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की। सबसे खराब टॉप ऑर्डर, किसका टॉप ऑर्डर ज्यादा खराब है, इसकी भी जंग होने वाली है दिल्ली के मैदान पर। बात करेंगे कि क्या कुछ आप 11 खिला सकते हो, उसके चलते आप करोड़ों राशि जीत पाओ, एटलीस्ट हमसे ज्यादा तो आप कमा ही लो। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले ओपनिंग में। तो ओपनिंग में जेसन रॉय, जी हाँ, गुरबाज की जगह आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं जेसन रॉय। लगातार अपनी वीडियोस में हम बोल रहे हैं कि भाई जेसन रॉय को मौका दो। केकेआर की टीम पावर प्ले में कैपिटलाइज नहीं कर पा रही, इसका सबसे बड़ा वजह है कौन? रहमानुल्लाह गुरबाज। तो अगर आपके पास जेसन रॉय जैसा विकल्प आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो पता नहीं आपने क्यों बाहर बिठा रखा है इस खिलाड़ी को, समझ से परे है। तो भाई जेसन रॉय यहाँ पर आएंगे, उसके साथ साथ आएंगे कौन? डेविड वार्नर। भले ही फॉर्म जाए भाई, बहुत ज़्यादा तारे गर्दिश में चल रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब एक तरफ के केआर है, एक तरफ डीसी है, तो कुछ खिलाड़ी तो उठाने पड़ेंगे ही। तो भाई डेविड वार्नर के साथ हमने उठाया जेसन रॉय को, और डेविड वार्नर को उठाना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है क्योंकि आपके पास ज़्यादा विकल्प बचते नहीं है। नारायण जगदीशन है, आप वो भी क्लिक नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट डेविड वार्नर जो भी है रना बॉल तो खेल रहे हैं, 50 तो बना ही रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए? फैंटेसी अगर आपको पॉइंट जीतने तो आपको रन बनाने, ये मैटर नहीं करता कि स्ट्राइक रेट से बना रहे हो आप। तो भाई इसलिए डेविड वार्नर, जेसन रॉय, ये दो बल्लेबाज हमने चुन लिए अपनी टीम में। तीसरे नंबर पर IPL 2023 का दूसरे शतक जड़ने वाले कौन? वेंकटेश अय्यर। भाई क्या खूब पारी खेली थी इस खिलाड़ी ने, ब्रेंडन मैकलम के बाद केकेआर किसी बल्लेबाज ने पहली बार शतक जड़ा, तो भाई वेंकटेश अय्यर का तीसरे नंबर पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है। और उसके बाद दोबारा से मिडल ऑर्डर, जितना खराब दिल्ली का ही उतना ही तगड़ा मिडल ऑर्डर यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स का है। तो भाई वेंकटेश अय्यर के साथ नीतीश राणा, उसके बाद रिंकू सिंह, लॉर्ड रिंकू, कप्तान साहब नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर। तो भाई जब ये तीन बल्लेबाज यानी कि वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा और रिंकू सिंह ये आपकी टीम में आ जाएंगे तो लगा लिया आप कितने पॉइंट्स आप जीत सकते हैं, इसका आप अंदाजा लगाइए। तो भाई ये तीन हो गए, उसके बाद आएंगे हम स्पिन डिपार्टमेंट में। सबसे खास बात क्या रखने वाली है यहाँ पे भाई, दिल्ली में होने वाला मुकाबला, तो दिल्ली की विकेट जो है क्या कुछ रहती है। ट्रेडिशनल दिल्ली की विकेट अगर मैं टेस्ट मैचेस की बात करूँ, सुबह सुबह वाले दिन फास्ट बॉलर को फेवर करती थी, लेकिन अभी जो पिछले कुछ सालों से दिल्ली की विकेट ने क्रिकेट खेला है वो हमेशा स्पिनर्स के लिए ज़्यादा यहाँ पर मदद देती है। तो इसलिए हमने जो हमारा स्पिन ट्रायो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताएंगे। लेकिन चलते हैं पहले ऑलराउंडर्स की तरफ। तो भाई वेंकटेश अय्यर हो गए, नीतीश राणा हो गए, रिंकू सिंह हो गए, उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर्स यानी कि अक्षर पटेल। यार इनके अलावा और कौन क्लिक कर रहा है दिल्ली की बैटिंग लाइनअप में? पूरी बैटिंग लाइनअप आप चेक कर लीजिए, कोई बल्लेबाज क्लिक नहीं कर रहा है। तो उसके अलावा अक्षर पटेल को लेने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। और मैं तो कहूंगा अगर दिल्ली को मुकाबले जीतने हैं तो अक्षर पटेल को प्रमोशन करिए, अक्षर पटेल को आप 7वें-8वें नंबर से उठा के 3रे-4थे नंबर पर डालिए, तो हो सकता है शायद आपके लिए ज़्यादा गेंदें खेले और ज़्यादा गेंद खेलने के साथ आपके रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करे। तो भाई अक्षर पटेल और साथ में पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म करने वाले आंद्रे रसल, भाई मोमेंटम आ गया आंद्रे रसल के साथ। और एक ऐसे खिलाड़ी को सिर्फ मोमेंटम की जरूरत पड़ती है, जिस दिन मोमेंटम उसके साथ आ जाता है उस खिलाड़ी को कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे को लगता है भाई अक्षर पटेल के साथ आंद्रे रसल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में अब चलते हैं स्पिनर्स की, मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि स्पिनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस पिच पे, दिल्ली कैपिटल्स के इस पिच पे, इस अरुण जेटली के विकेट पे। तो भाई स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हैवी डोमिनेंट रहते हैं, तो इसलिए हमने स्पिनर में यहाँ पे जगह दिया सुनील नारायण, सुयश शर्मा और कुलदीप यादव को। हमने यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को जगह नहीं दिया, भाई थोड़े से वेरिएशंस भी चाहिए ना आपको स्पिन में। आपने एक दिल्ली का स्पिनर ले लिया, आपने दो केकेआर के स्पिनर ले लिया, अगर आप तीनों केकेआर के स्पिनर ले लेंगे तो फिर दिल्ली के अगर किसी स्पिनर ने वंडर्स प्रोड्यूस कर दिए, कुलदीप यादव का तो वैसे ही फॉर्म T20 में तो नहीं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा चल रहा था। तो भाई यहाँ पे हमने कुलदीप यादव को जगह दी है, हमने यहाँ पे नारायण को जगह दी और साथ में सूर्य शर्मा को। तो भाई ये है हमारा स्पिन ट्रायो जो आपके लिए कम से कम पूरे मैच में अगर मैं दोनों पारियों को मिला के एटलीस्ट 8 विकेट तो आपके लिए निकाल के देगा, 8-9 विकेट तो आपके लिए लेकर देगा। तो भाई ये तीन स्पिनर्स हैं, सुनील नारायण, सूर्य शर्मा और कुलदीप यादव, और एक लौते जो लोन वॉरियर रहेंगे हमारे पास फास्ट बॉलिंग के, वो रहेंगे एनरिक नोरकिया। तो भाई ये है कुछ 11, और एनरिक नोरकिया को 11 में जगह देना इसलिए ज़्यादा मैंडेटरी पड़ जाता है। बाकी अगर मैं जो फास्ट बॉलर हमारे पास अवेलेबल है कौन कौन है, हमारे पास मुस्तफिजुर रहमान है, हमारे पास उमेश यादव है, हमारे पास लोकी फर्गुसन है, लेकिन इन सब में सबसे शानदार फॉर्म किस खिलाड़ी ने दिखाई, उस खिलाड़ी का नाम है एनरिक नोरकिया। तो यहाँ पर एनरिक नोरकिया को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। तो भाई इस पूरी अगर आप नज़र मारे, ज़्यादा आपके पास ऑप्शन बचते नहीं है। अगर आप डीसी और केकेआर के मुकाबले की बात करो तो ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेंट एरिया रहता है, वो यहाँ पर रहता है स्पिन और साथ साथ मिडिल ऑर्डर। तो भाई मिडिल ऑर्डर तो दिल्ली का तो कुछ है नहीं, तो हमने यहाँ पर मिडिल ऑर्डर उठाया, पूरा
केकेआर का, तो भाई वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, ऑलराउंडर अक्षर पटेल, आंदे रसन, और जो स्पिन जोड़ी है हमारे पास भाई सुनील नारायण, सूर्य शर्मा और साथ साथ कुलदीप यादव, लोन स्पेसर है एंड्रिक नोरकिया, और ओपनिंग तो दोनों ही सबसे खराब टॉप ऑर्डर अगर किसी टीम को चल रहा है वो है डीसी और केकेआर। तो भाई बहुत डिफिकल्ट था ओपनिंग प्लेयर को चुनना, मैं चल मार्च खेलेंगे नहीं खेलेंगे सवाल बड़ा है। तो हमने भाई जेसन रॉय को जगह हमने जगह दी है, डेविड वॉर्नर को जगह दी है और वेंकटेश अय्यर, शतकवीर वेंकटेश अय्यर। तो भाई ये है कुछ 11 जो आप फैंटेसी 11 में चुन सकते हैं ताकि आप ढेरों राशि जीते। और आपको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पर जगह देनी पड़नी चाहिए या फिर किस किस को खिलाड़ी को यहाँ पर बाहर निकालना चाहिए, जो कुछ भी आपको लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ के साथ इस मालामाल फैंटेसी 11 को लेकर जो कुछ भी आपका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।